हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी, आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी छोटी बहन और छोटे जीजू से। तो इन्होंने आकर हमें एकदम ही सरप्राइज़ दिया और बहुत खुश हो गए थे हम, क्योंकि जब पता नहीं होता और कोई अपना मिल जाए तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि इनके पास भी कम टाइम होता है और हमारे पास भी गाय भैंसों की वजह से कम ही टाइम होता है आने जाने का। तो एकदम से ये आए हुए थे डॉक्टर को दिखाने और आते हुए हमारे पास आ गए, तो बहुत खुश हुए हम। और ये मेरी छोटे वाली सिस्टर है सबसे, और ये मेरे सबसे छोटे वाले जीजू हैं, और तीन बहनें हैं हम, तो लाडले हैं ये दोनों हमारे लिए बहुत ही। तो हम दोनों सिस्टर जो हैं, हम एक ही घर में शादी करके आए हुए हैं, और ये मेरी छोटी वाली बहन है, ये जो है अलग घर में है। लेकिन मेरे जो छोटे जीजू हैं वो बहुत करते हैं हमारा और बहुत हमें मानते हैं, तो हम भी उनका उतना ही करते हैं। और ये मेरी छोटे वाली सिस्टर है, इसका नाम है किरण, और प्यार से हम इसे छोटी बोलते हैं। तो देखो, दोनों बहनें लगी हैं बातचीत में, और खुशखबरी है हम सबके लिए, क्योंकि छोटा बेबी आने वाला है। और अभी टाइम है, पहले इनके पास एक बेटा है, वो स्कूल गया हुआ था, तो इसलिए उसको साथ में लेके नहीं आए। उसका नाम माधव है और बहुत मिस कर रहे थे हम उसको भी, और इसी वजह से ये थोड़े जल्दी चले गए, क्योंकि फिर वो स्कूल से आकर फिर जिद करता है कि मम्मा पापा कहाँ गए। वैसे तो उसके दादा दादी उसे संभाल लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को होता ही है कि मुझे छोड़कर चले गए। तो इसीलिए बस 1-1.5 घंटा ही है हमारे पास बैठे और उसके बाद चले गए थे। लेकिन इतना भी बहुत होता है कि आकर एकदम से मिल गए, और अचानक से मिलने की तो खुशी ही कुछ और होती है। तो जी, आ गए हैं उसके जीजू, और देखिए कैसे लाड लड़ा रहे हैं। और उसके जीजू बहुत मानते हैं इन दोनों को, और ये गौरव, इनका नाम जो मेरे छोटे वाले जीजू हैं, इनका नाम गौरव है, और ये तो हम सबका लाडला है क्योंकि छोटा है हमें। तो जी, अभी हमारी चल रही है बस बातें चीते, और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, और एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के भी, और वो भी माधव के बारे में ही पूछ रहे हैं कि माधव क्यों नहीं आया, क्योंकि बहुत क्यूट है, जब आएगा तो मैं आपसे मिलवाऊंगी ज़रूर। तो जी, ये सुबह की क्लिप है और हम निपटा रहे हैं बाड़े का काम। तो जी, गाय भैंसे तो हमने नहला दी हैं, बस छोटे बच्चे रहते हैं नहाने के लिए, और ये बहुत मस्तियाँ मारते हैं नहाते हुए। जो ये जो कटड़ा है ये ब्राउन कलर का है, और इसका नाम हमने बिल्लू रखा है, और कटिया का नाम हमने अभी नहीं रखा। तो जो कटिया है वो बहुत ज़्यादा चुस्त है, और नहाना इसको बहुत पसंद है, और छलांगे मारती है बहुत ज़्यादा। तो जी, बस यहाँ का काम हमारा निपट ही चुका है, बस यही दोनों नहाने रहते थे, तो इनको आकर मैंने नहलाया, और उसके बाद फिर हमारा यहाँ का काम जो है फिनिश हो गया था। आगे आगे। तो जी, ये जो क्लिप है ये एक दिन पहले की है, शाम के टाइम की। तो हम बैठे हुए थे और ये झूठमूठ ही यथार्थ को मारने लग गए। तो किंग जो है वो भोंकता है अगर यथार्थ को कुछ भी कहो, डांट भी दो तब भी, क्योंकि बहुत करता है वो यथार्थ से का, और स्टार्टिंग से ही जब से बच्चा है यथार्थ के साथ तब से ही खेलता है। तो जी, आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और बने रहिएगा हमारे साथ, और तब तक के लिए राम राम जी। पता लग